हेलो एवरीवन वन कैसे आप आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे सो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे और ये आपकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर टू की फर्स्ट एक्सरसाइज ये टोटली कार्टेसन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे डिपेंड करती है तो जिन बच्चों ने कार्टेशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स अभी तक नहीं सीखा है पहले आप उस लेक्चर को देख लो इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो कार्टेशन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे ही था पहले उसको देख लो समझ लो कार्टेशन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे आओ ठीक है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है बार बार हमें कार्टेशन प्रोडक्ट ही करना है सेट्स का और कुछ नई चीजें भी आप सीखेंगे इस एक्सरसाइज में टोटल टेन क्वेश्चन हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कंप्लीट होने वाले हैं राइट सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन वेरी सिंपल वेरी सिंपल क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है इफ दिस पेयर इक्वल टू दिस पेयर ये दोनों पेयर आपस में इक्वल हैं कह रहे है, बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी तो कार्टेशन प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जब आपको इस तरह से दो पेयर इक्वल दे रखे हों तो फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है और सेकंड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो इक्वल आप ले सकते हो सिंस दीज टू पेयर्स आर इक्वल इन शॉर्ट कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेट्स आर इक्वल वेन दीज टू पेयर्स आर इक्वल तो आपको शुरुआत यहीं से कर देनी है कि हेयर वी कैन टेक एक्स अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री फर्स्ट कॉम्पोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कॉम्पोनेंट बहुत सिंपल है ये क्लास सिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा आप यहां से इसको एक्स और वाई को फाइंड कर सकते हो तो हेयर कैन यू फाइंड एक्स यस सर इस वन को उधर ट्रांसफर कर दो सिंप्लीफाई कर लो थ्री वहाँ क्रॉस हो जाएगा इसका एलसीएम एलसीएम ले लो ठीक है तो फाइव थ्री इज़र टू और ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया तो एक्स आपका टू आ गया इसी तरह से आप वाई को फाइंड कर सकते हैं ये टू बाई थ्री उधर चला गया प्लस का हो गया फिर एलसीएम एलसीएम लिया ऊपर थ्री थ्री तो वाई इज वन तो हैंस एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू वन दैट सोल्व तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल पेयर इक्वल थे कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को बस इक्वेट करना था इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं ठीक है ना बट करने का प्रोसेस सेम ही रहता है फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट है जो भी इक्वेशन बनेगी दैट यू हैव टू सॉल्व नथिंग एल्स चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो वेरी सिंपल कह रहे है. इफ़ द सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स कोई ए सेट है उसके पास तीन एलिमेंट हैं एंड सेट बी हैविंग दीज एलिमेंट्स तो बी के पास भी तीन ही एलिमेंट है जो कि दिख रहे हैं ए के पास एलिमेंट्स जो दिख नहीं रहे लेकिन इतना पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके तीन है एंड फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी तो भाई मैंने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए करॉस बी कि जब आप दो सेट्स का कार्टिशन प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसके पास टोटल पेयर कितने बन जाते हैं यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी बस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो बताइए ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं सर थ्री गिवन है बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं सर वो तो दिख रहे हैं थ्री है तो थ्री थ्री, थ्री नाइन तो टोटल नाइन पेयर होंगे ए क्रॉस बी के पास तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज़ नाइन दैट्स ऑल क्वेश्चन नंबर थ्री ये तो बहुत आसान है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है तो वो तो हमने सीख रखा है या जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी हम कैसे करेंगे हमें सेट तो गिवन ही है एरो डायग्राम से भी आप इसको करके दिखा सकते हैं चलो एक बार एरो डायग्राम भी बना लेते हैं वैसे आपको ऐसे बोला नहीं उसने एरो डायग्राम बनाओ वैसे आपको समझाने के लिए फिर से मैं एरो डायग्राम बना देता हूं देखो अब मैं यहां पे कर रहा हूं क्या जी क्रॉस एच ठीक है पहला पार्ट कर रहा हूँ जी क्रॉस एच तो जी को आपको जी का जो एलिमेंट है पहला वाला इसके सब 7, 4, 7, 2, सब साथ सबके पेयर बनाने सेवन फोर सेवन टू ठीक है सेवन ने सबके साथ पेयर फिर एट ने बनाने एट विद फाइव 8 with 4 and 8 that's all this is a cartesian product of g and h that is g cross h kiya but arrow diagram se main isko represent kar raha hu ab isi ko agar aapko roster form mein likhna hai to g cross h kya aayega sir 7 5 7 4 सेवन टू उसके बाद 8 को पकड़ लो एट फाइव एट फोर एट टू दैट्स ऑल ठीक है बेटा तो नेक्स्ट आपका एच क्रॉस जी इसको फाइंड कर लेना इसको फाइंड खुद ही कर लेना और नोट मैंने बता भी रखा है पहले यार कार्टेशन प्रोडक्ट जो है क्यूमिटेटिव नहीं होता यानी आप बोलो जी क्रॉस एच इक्वल टू एच क्रॉस जी ऐसा नहीं होता ये ध्यान रखिए दिस वाज क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लूंगा इसलिए यहाँ ट्रू फॉल्स है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है फिर उसको ट्रू करके भी आपको बताना है अच्छा क्वेश्चन है काटेशन प्रोडक्ट पे ही टोटली totally बेस्ड है ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि पी सेट और क्यू सेट के एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं तो वी हैव द पी सेट जिसमें एम और एन एलिमेंट्स हैं और उसमें क्यू सेट है इसमें एन और एम एलिमेंट्स हैं फिर कह रहा है यार उसने पी क्रॉस क्यू किया और उसके पास आपने दो पेयर रखे तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है नो no, ये फॉल्स स्टेटमेंट है इट इज फॉल्स स्टेटमेंट वाई अभी आपने देखा पिछली क्वेश्चन में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं जो फर्स्ट सेट के और जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो पी के पास दो हैं क्यू के पास भी दो है तो टू टू से यानी कम से कम फोर पेयर तो बनेंगे इसमें ठीक है ना फोर पेयर तो आएंगे तो उसने दो ही रखे तो फॉल्स स्टेटमेंट तो हो क्या करेक्ट करके बताओ कुछ नहीं करना पी क्रॉस क्यू निकाल दो एम को एन के साथ कर दिया एम का पेयर फिर एम के साथ फिर एन का पेयर एन के साथ फिर एन का पेयर एम के साथ दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट पार्ट जो है फॉल्स है सेकंड सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में क्या है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई यहां तक तो ओके okay है ए बी अगर नॉन एम टी सेट्स है तो ए क्रॉस बी में भी पेयर आएंगे ही आएंगे वो भी नॉन एम टी सेट होगा और उसमें ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं एक्स वाई जैसे बिल्कुल बनते हैं फिर आगे बोल रहे हैं सर्च दैट जो एक्स होता है वो बी का एलिमेंट होता है जो वाई है वो ए का एलिमेंट होता है ये गलत लिख दिया उसने जब आपने बोला कि उसमें इस तरह के पेयर बन रहे हैं ए क्रॉस बी में तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट सेट का होता है यानी ए का होता है वो तो इसने बी का बोल दिया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट तो आपको इसको करेक्ट कैसे करना है सिर्फ यहां लिखा ना एक्स बिलोंग्स टू बी यहां लिखना आपको एक्स बिलोंग्स टू ए और दूसरे में लिखना है वाई बिलोंग्स टू बी ठीक है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है करेक्ट मैंने बता दिया बी की जगह ए लिखो और ए की जगह बी लिख लेना ठीक है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि ये डेफिनेशन हमने सेट बिल्डर फॉर्म की जो कार्टेशन प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझी थी जहाँ हमें कार्टेशन प्रोडक्ट पता है वो होता गया है जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो तो फर्स्ट सेट का होता है ना तो ये गलत हो गया अगर कल को इसने यहाँ पर ए लिखा होता यहाँ पे बी लिखा होता ठीक है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होती ठीक है बेटा तो इसको यू कैन राइट द स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है नाउ द थर्ड पार्ट नाउ द थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में कह रहा है कि वी हैव ए सेट इज दिस दिस इज अ कैपिटल ए दिस इज कैपिटल ए दिस इज कैपिटल ए ए वी हैव सेट सेट एंड बी थ्री फोर ठीक है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल टू नल सेट तो हमने देखना है यार ए का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं बी इंटरसेक्शन नल सेट के साथ तो क्या वो नल सेट आएगा देखो यस नल सेट आएगा क्यों देखो जब आप बी का इंटरसेक्शन कर रहे हो नल सेट के साथ तो किसी भी सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो क्या आता है नल सेट आता है नल सेट आता है तो यानी ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ बेसिकली इसका ओवरऑल जो कैलकुलेशन बैठेगा जो इसका रिजल्ट बैठेगा वो एक नल सेट आउेगा तो ए का जब आप क्रॉस करोगे नल सेट के साथ वो तो नल सेट ही आएगा तो ये कार्टेशन प्रोडक्ट में हमने सीखा भी था कि दो सेट का जब आप कार्टेशन प्रोडक्ट कर रहे हो तो कोई एक भी अगर नल सेट हो गया तो आंसर तो ल सेट ही बैठेगा यानी उसमें पेर ही नहीं बन पाएगा तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट तो इसको फिर करेक्ट क्या करना ये ऑलरेडी करेक्टेड ही है तो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट आई होप दिस होप्ड क्लियर चलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वेरी सिंपल सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं बट इस ए सेट के लिए ए क्रॉस ए क्रॉस ए तीन सेट है लेकिन तीनों सेट सेम ही है तो उनका कार्टेशन प्रोडक्ट बताइए तो ऐसा करते हैं पहले ए क्रॉस ए करते हैं एरो डायग्राम से अगर कर मैं करूं तो ये मेरा ए है ये मेरा ए है तो मेरे पास आ गया माइनस वन वन और दूसरे में भी माइनस वन वन है तो वन पहले माइनस वन पहले इन दोनों के साथ पेयर बनाएगा तो मैं ऐसे लूंगा सर माइनस वन ने माइनस वन के साथ पेयर बनाया फिर माइनस वन ने वन के साथ पेयर बनाया ओके फिर ये वाला वन इसके साथ पेयर बनाएगा इसके साथ पेयर बनाएगा सर जी वन ने माइनस वन के साथ पेयर बनाया सर जी फिर वन ने वन के साथ बनाया दैट्स ऑल तो ए क्रॉस ए तो हो गया अब बोल रहा है ये जो आया ए क्रॉस ए फिर वापस इसका ए के साथ क्रॉस करो ट्रिपलेट बनाने ट्रिपलेट बनाने तो ये हमने सीख रखा है कोई बड़ी बात नहीं है देखो आप करेंगे तो इसमें क्या करना है ये फर्स्ट पेयर उठाओ माइनस वन माइनस वन फर्स्ट पेयर उठाओ इसकी ट्रिपलिंग कर दो माइनस वन और वन के साथ तो ऐसे सबके साथ करना होगा तो कैसे आएगा माइनस वन माइनस वन पेयर उठाया तो इसकी पहले माइनस वन के साथ ट्रिपलिंग कर दी माइनस वन माइनस वन हमने पकड़ के रखा है तो उसकी वन के साथ ट्रिपलिंग कर दी तो माइनस वन वाला जो पेयर है माइनस वन माइनस वन वाला इसका रोल हो गया खत्म इसने माइनस वन और वन के साथ ट्रिपलिंग कर लिए अब इसी तरह से बाकी तीन पेयर को भी उठा लो वेरी सिंपल तो यहां पर आएगा माइनस वन वन और माइनस वन फिर माइनस वन 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 ठीक है फिर उठाओ थर्ड पेयर माइनस वन uh, वन माइनस वन माइनस वन के साथ वन माइनस वन उठाया तो वन के साथ फिर लास्ट वाला पेयर वन 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 कोड लिख लो माइनस वन के साथ फिर वन वन को लिख लो वन वन को लिख लो वन के साथ दैट्स ऑल तो टोटल कितने ट्रिपलेड हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल एट वन के ठीक है अब वो आपको फार्मूला भी आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालने हो तो कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 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 ए ए नंबर एलिमेंट्स यहां पर सेट उसने सेम ही रखा हुआ ए तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है तो इसके पास भी टू थे इसके पास भी टू थे इसके पास टू तो एट ही पेयर बनने थे ओके डियर तो ये पूछा नहीं है बस आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया तो एट ट्रिपलेट यहां पे बन गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी सिंपल वेरी सिंपल कार्टेसन प्रोडक्ट करके दे दिया उसने चलो मजे लग गए हमारे कार्टेसन प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ कहता है फाइंड ए एंड बी है ना ए और बी सेट क्या है जिनका ये कार्टेसन प्रोडक्ट हो रहा है वेरी सिंपल क्या करेंगे क्या करेंगे आपने क्या करना है यार आपने क्या करना है बस ये लिखते जाना है एज दिस पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एक एक पेयर लेना है ठीक है पहला मैंने पेयर लिया ठीक है ये वाला पेयर लिया ये किसको बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है अगर ये पेयर ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इस पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा इस पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा होगा और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा होगा बस सभी पेयर के लिए ऐसा लिखते जाना है तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे वो आपको पता चल जाएगा तो ए सेट हमारा बन जाएगा ऐसे बी बन जाएगा चलिए दूसरा क्या है बी एक्स पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी It means this B belongs to set A and this X belongs to set B. Again pair. Third that belongs to A cross B. It means B belongs to A and X belongs to B. B, Y belongs to A cross B. It means B belongs to set A and Y belongs to set B. अब दिख रहे हैं ना ए सेट के पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के पास कितने आ रहे हैं तो यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हैं देर फोर जो हमारा ए सेट होगा उसमें क्या आएगा पहले तो ए आ जाएगा फिर बी आ जाएगा बाकी सब बी ही है तो दो ही आएंगे इसमें उसके बाद बी आ गया एक्स 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 वाई तो एक्स आ गया और वाई आ गया दैट्स ऑल मतलब कहानी तो अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो टोटल पेयर इसमें कितने बनेंगे फोर ही पेयर बनेंगे देखो उसने भी फोर ही दे रखे थे वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर सेवन ये भी बहुत सिंपल है सेट्स हमें दे रखे हमने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है अगर ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है तो आप इसको एज ए प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो इसको याद भी कर सकते हो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल होता है कुछ नहीं ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी के साथ विद क्रॉस प्रोडक्ट अब हमने वेरीफाई करके देखना है तो यहां पर भाई हमें सभी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी तो ऐसा करते हैं सबसे पहले मैं बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं यू नो हाउ वी कैन फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स तो बी और सी में कॉमन ढूंढो बी और सी में कॉमन कुछ है वन टू थ्री फोर यहां पर आ गया फाइव सिक्स सर इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है तो ये नल सेट आ गया ठीक है बेटा तो बी और सी का इंटरसेक्शन ही नल सेट आ गया अब जब मैं इसका ए के साथ क्रॉस करूँगा A के साथ क्रॉस करूंगा क्या कोई पेयर बन पाएगा देखो ए के पास तो वन टू है लेकिन पेयर बनाना चाहता है बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स के साथ वहां पर एलिमेंट ही नहीं है तो पेयर फिर कैसे बनाएगा इसलिए वाला पार्ट आपका नल साइड बैठेगा हो गया ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई कैलकुलेट हो गई अब हम राइट साइड पर चले जाते हैं तो कह रहे पहले ए क्रॉस बी करो चलो ए क्रॉस बी करते हैं जो हमें आता है ए क्रॉस बी करना कितने उसमें एलिमेंट बनेंगे पेयर बनेंगे इसमें टू है इसमें फोर है टोटल एट पेयर बनने वाले हैं तो ऐसा करेंगे वन के साथ वन वन के साथ टू वन के साथ थ्री वन के साथ फोर ठीक है फिर टू के साथ वन टू के साथ टू टू के साथ थ्री एंड टू के साथ फोर ए क्रॉस बी हो गया अब इसी तरह से ए क्रॉस सी भी कर लो अब ए क्रॉस सी ए के पास हैं टू सी के पास हैं टू 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 सा फोर पेयर बने हम जल्दी से अभी ए क्रॉस सी को भी फाइंड कर लेंगे सर वन फाइव ओके वन सिक्स ओके टू फाइव ओके टू सिक्स ओके हो गया अब आपको बताया गया कि इनका इंटरसेक्शन निकालो यानी ए क्रॉस बी सेट जो आपने बनाया इसका इंटरसेक्शन करो ए क्रॉस सी के साथ देखो ये जो सेट बनाए और ये जो सेट बनाए इनमें वो पेयर ले लो जो कॉमन है तो देख लो कॉमन वन 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 टू वन थ्री वन फोर टू वन टू 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 थ्री सर कॉमन तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा अरे कुछ भी कॉमन नहीं है दैट्स ऑल तो भाई साहब ये भी नल सेट आ गया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड हो गया वेरीफाई बस ऐसे ही करना है दूसरा कह रहा है वेरीफाई ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी तो ए क्रॉस सी तो हमने निकाला ही हुआ है तो एक पार्ट हमें और करना पड़ेगा बी क्रॉस डी अब कैसे आएगा बी क्रॉस डी अरे B और D दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के पास कितने हैं फोर D के पास कितने हैं फोर 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 सा सिक्सटीन पेयर बनेंगे कितने पेयर बनेंगे सिक्सटीन तो भाई साहब ये आपके लिए छोड़ रहा हूं सिक्सटीन पेयर बनाना अब आप देखना कि A क्रॉस C ये जो तीन चार पेयर हैं वन फाइव वन सिक्स टू फाइव टू सिक्स ये चारों पेयर क्या B क्रॉस D के पास होंगे अगर चारों पेयर B क्रॉस D के पास भी हैं तो फिर ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा कर लोगे बेटा कर लेना सिक्सटीन सब पेर बनाने हैं वो बना के सबसेट सिर्फ चेक करना है ठीक है चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं नाउ काफी गर्मी हो गई है नाउ द क्वेश्चन नंबर एट यू हैव ए सेट एंड बी सेट राइट ए क्रॉस बी ठीक है भाई साहब लिख लेते हैं ए क्रॉस बी कर लो ए क्रॉस बी वन थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर हो गया ए क्रॉस बी फिर आगे क्या कह रहा है हाउ मैनी सबसेट्स विल हैव ए क्रॉस बी विल ए क्रॉस बी हैव ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे आगे सबसेट अब बताओ सेट में पड़ा सबसेट क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का सर जी टू रेस टू पावर एन एन क्या होता है जिसके सबसेट बना सबसे उसके जितने एलिमेंट्स हैं तो आप किसके सबसेट पूछ रहे है? वो A B के। बताओ, A B के कितने हैं ऐसा तो नहीं बोलोगे सर वन थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर करके आठ बना दोगे नो no. अरे पेयर एक एलिमेंट होता है कार्टिशन में जो पेयर है वो वन एलिमेंट ट्रीटमेंट लेगा ठीक है तो दिस पेयर इज वन एलिमेंट तो वन टू थ्री फोर फोर पेयर है यानी इसमें फोर एलिमेंट्स हैं अगर फोर एलिमेंट्स हैं तो जिसके पास फोर एलिमेंट्स उसके सबसेट्स कितने बनते हैं टू रेस्ट टू पावर फोर तो आप यहां लिखेंगे नंबर नंबर ऑफ 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 सबसेट्स सबसेट्स ए क्रॉस बी तो एक प्रॉपर मैं ऐसे फॉर्मूला लिख देता हूं टू रेस्ट टू पावर ए के जितने एलिमेंट्स इंटू बी के जितने एलिमेंट्स ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी का मतलब ही है ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट्स आ रखे यहां पर बैठ जाएगा टू रेस्ट टू पावर सर जी टू इंटू टू दैट इज टू रेस्ट टू पावर फोर वैसे तो मुझे डायरेक्टली लिखना था टू रेस्ट टू पावर फोर बट मैंने यहां आपको समझाने के लिए लिख दिया कि ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट्स आते हैं ठीक है यहां फोर आगे तो 16. तो 16 सबसेट्स बनेंगे किसके नंबर ऑफ सिक्सटीन सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी के अब कह रहे हैं वो सिक्सटीन सबसेट्स को लिस्ट करो तो उसके लिए क्या करना होगा क्या करना होगा बड़ा ही मस्त है सबसेट्स बना देंगे बना देंगे सबसेट्स ठीक है सबसे पहले नल सेट ठीक उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट के चार सेट बनाओ तो वो सबसेट हो जाएंगे एक क्रॉस बी के तो भाई साहब एक पेयर उठाओ एक सेट में रख दो तो ये वाला सेट सबसेट है एक क्रॉस बी का जैसे करते थे सेट में वैसे ही है बस यहां पर एलिमेंट जो है वो एक पेयर है तो उसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए तो ये सिंगल सिंगल चल रहा है ठीक है सिंगल सिंगल चिल्ड्रन बना लिए सिंगल अब करो डबल वन थ्री को लो सबके साथ डबलिंग कर दो वन थ्री वन फोर एक साइड ये हो गया फिर वन थ्री टू थ्री एक साइड ये बना दिया फिर वन थ्री टू फोर एक साइड ये बना दिया उसके बाद वन थ्री को पकड़ा ना सबके साथ होगी इसकी पेयरिंग तो अब आप वन थ्री को छोड़ दो वन फोर को पकड़ो वन फोर के साथ पेरिंग करेंगे हम वन फोर की पेयरिंग करेंगे टू थ्री और टू फोर के साथ टू थ्री और टू फोर के साथ ठीक है अब वन फोर को छोड़ दो वन फोर को छोड़ दो सिक्स बनते हैं टोटल ठीक है डबल वाले तो कितने बन गए एक दो तीन दो पांच एक और बनेगा टू थ्री और टू फोर टू थ्री एंड टू फोर डेट्स ऑल तो डबल डबल वाले भी आपने बना लिए कितने सिक्स एक नल सेट सिंगल सिंगल वाले चार हो गए पांच और छ्यारह बन गए अब ट्रिपल वाले बनाने तो ट्रिपल वाले में पहले आप पकड़ लो फर्स्ट टू को यानी इसको ले लो आप वन थ्री वन फोर को ले लो टू थ्री और टू फोर के साथ उसकी ट्रिपलिंग कर दो वन थ्री और वन फोर को लेना है ठीक है वन थ्री और वन फोर को लेना है इसकी ट्रिपलिंग एक बार टू थ्री के साथ कर देनी इसको वन थ्री और वन फोर को लिया है इसकी ट्रिपलिंग टू थ्री और टू फोर के साथ करनी दो हो गए चार बनेंगे टोटल फिर ऐसा करो वन फोर को छोड़ दो टू थ्री को ले लो और टू फोर को ले लो होगी ट्रिपलिंग इसकी भी फिर वन थ्री को छोड़ दो वन फोर को पकड़ लो वन फोर पकड़ लिया फिर टू थ्री पकड़ लिया और फिर टू फोर पकड़ लिया that's all. तो दीज आर द फोर सबसेट्स जिसमें तीन तीन पेर मैंने बिठा दिए टोटल फिफ्टीन हो चुके हैं ठीक है थीके? अब ए कौन सा वो खुद ए क्रॉस बी तो उसमें आपके पास आ जाएगा पहला वाला क्या है वन थ्री वन फोर अब वही आ जाएगा सारे पेर वन थ्री वन फोर टू थ्री एंड टू फोर दैट्स ऑल तो दीज आर द दिक्सटीन सबसेट्स तो सबसेट्स हमने कैसे बनाए इसमें आपने सीखा है बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है जैसे सेट में एक सिंगल सिंगल एलिमेंट होते थे यहां जो एलिमेंट है वो पेयर में बस ये एलिमेंट जो है पेयर में ठीक है ये सिंगल वाले चार आ गए ये डबल वाले आ गए ट्रिपल वाले चार आ गए और उसके बाद ये खुद आ गए तो दीज आर दिक्कसटीन सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है सबसेट बनाने पड़ते हैं बट कोई दिक्कत नहीं बना सकते हैं हमें आता है क्वेश्चन नंबर में कह रहा है ए एंड बी बीट्स ऑफ एलिमेंट्स पता है टू फिर कह रहा है यार ये तीन जो पेयर है वो ए क्रॉस बी में है ठीक है ऐसा पीछे भी हमने किया वहां हमें चार पेयर दिए थे क्रॉस में फाइंड ए एंड बी अरे वही तो क्वेश्चन है ये वेर एक्स वाईज आर डिस्टिंग बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया जो भी पीछे भी किया था हमने एक तो ऐसा करो ऐसा करो जैसे पीछे लिखवाया ऐसे लिखते जाओ कि सर ये जो एक्स वन पेड़ है ये ए क्रॉस बी के पास है इसका मतलब हो गया या जो एक्स होगा वो ए सेट का एलिमेंट होगा जो वन होगा वो बी का एलिमेंट होगा लिख दिया फिर दूसरा पेयर पकड़ लो कौन सर वाई टू किस को बिलोंग कर रहा है सर ए करॉस बी को बिलोंग कर रहा है सर वाई सर ए में होगा सर टू कहाँ होगा सर बी में होगा इसके बाद एक पेयर और जो बचा हुआ है जेड वन ले लो कहाँ है सर ए क्रॉस बी में ओके okay, सर ये जे जेड कहाँ जाएगा सर ए में जाएगा सर वन कहाँ जाएगा सर बी में जाएगा तो आप दिख रहे हैं ना ए के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं बी के भी दिख रहे हैं तो सेट बना दो फाइंड ए एंड बी तो हमने ए सेट लिख लिया वट इज दैट एक्स वाई जेड तीनों डिस्टिंक्ट चलो बी सेट सर इसमें वन दो बार है तो एक ही बार लिखना है टू दैट्स ऑल तो इस तरह से ए और बी सेट भी हमने फाइंड कर लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे अगर इसका तो ये वाले पेयर तो आएंगे ही तीन ये वाले पेयर तो तीन आएंगे ही और भी पेयर बन जाएंगे ठीक है उसने सिर्फ हमें तीन ही पेयर दिए हुए थे जिससे हमने ए और बी सेट बना लिया तो अगर आप ए क्रॉस बी करोगे अब बताओ इसमें कितने पेयर बनाए आएंगे तीन इसमें एलिमेंट और दो इसमें थ्री टूजा सिक्स पेयर बनेंगे तो सिक्स में से उसने तीन ही पेयर हमें दिए थे वहीं से हमने ए और बी सेट बना लिया तो ए क्रॉस बी आप कर लेना वैसे उसने हमें पूछा नहीं है हमें और बी ही पूछा होगा तो वो हमने निकाल लिया ए क्रॉस तो बी कर लेना अगर करना होगा तो ठीक है सिक्स पेयर इसमें बनेंगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वेरी सिंपल द कार्टेशन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज नाइन एलिमेंट्स यानी ए क्रॉस ए किया तो उसमें नाइन पेयर गए एलिमेंट जो है वो एक पेयर ही है कार्टेशन के अंदर ए क्रॉस ए करने से नाइन एलिमेंट्स हैं उसके पास ठीक है मान लिया उसमें से दो पेयर उसको पता चल गए हैं उसने हमें दे दिए हैं ये वाला और ये वाला पेयर रहे बताओ सेट ए क्या होगा और रिमेनिंग एलिमेंट्स बताओ ए क्रॉस ए के तो भाई सिमिलर ही है जो अभी किया आप ऐसा लिखेंगे सर हेयर माइनस वन जीरो बिलोंग्स टू हेयर सर ए क्रॉस ए तो बाय डेफिनेशन कैन आई राइट माइनस वन बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड जीरो बिलोंग्स टू सेकंड सेट तो दोनों सेट सेम ही है तो पहला वाला ए में आ गया दूसरा वाला भी ए में दिखाएंगे इसी तरह से एक हमें पेयर और दिया हुआ जीरो वन जो ए क्रॉस ए में है इसका मतलब जो जीरो है वो बिलोंग कर रहा है ए को और वन बिलोंग कर रहा है ए को ओके डियर तो यहां पर सब जगह ए ही तो सेट है तो कुल मिलाकर देख लो ए के पास एलिमेंट्स कौन कौन आ गया है तो ए सेट हमने बना लिया सर एक माइनस वन आया एक सर जीरो आया और एक वन आया तो जब आप ए क्रॉस ए करोगे बताओ ना उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे नाइन ही आएंगे जो उसने बोल रखे थे क्योंकि ए के पास थ्री है फिर ए दूसरा भी वही सेट है ए तो टोटल नाइन तो नाइन पेयर बनेंगे उसने बोल रखा है तो उसमें से दो दिए थे रिमेनिंग बोले तो सेवन बच गए आप उसका कार्टेशन प्रोडक्ट कर दो इसका तो नाइन में से सेवन आपको दिख ही जाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देखते हैं ठीक है ए कौन आया माइनस वन जीरो एंड वन चलो करो ए क्रॉस ए तो हाउ यू कैन डू ए क्रॉस ए यार ऐसे एक सेट और लिख लो यही वाला थोड़ा आसानी हो जाती है ठीक है करने में तो ऐसा करो माइनस वन को पकड़ा यानी इस माइनस वन को पकड़ा इन तीनों के साथ उसकी डबलिंग कर दो यानी पेयर बना दो तो माइनस वन का माइनस वन के साथ फिर माइनस वन का जीरो के साथ फिर माइनस वन का वन के साथ फिर जीरो को पकड़ो सर जीरो का माइनस वन के साथ जीरो का सर जीरो के साथ सर जीरो का वन के साथ ठीक है फिर लास्ट वन पकड़ो सर वन माइनस वन के साथ पेयर बना लेगा वन सर जीरो के साथ पेयर बना लेगा उसके बाद वन बना लेगा वन के साथ दैट्स ऑल क्लोज तो ये हमने ए क्रॉस एक करके ही दिखा दिया तो उसने रिमेनिंग बोले थे रिमेनिंग तो रिमेनिंग सेवन इसके अंदर है ही है वो आप अलग से भी उसको फिर दिखा सकते हो रिमेनिंग पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए ठीक है अब यहां पर वो रिमेनिंग पेयर आप खुद लिख लेना वो वाले दो मत लिखना जो उसने लिखे एक दो तीन चार पांच ये छे और ये सात ये सेवन पेयर आप खुद लिख लेना यहां से वो वाले लिखने जो उसने दे रखे हैं वो नहीं लिखना मतलब समझ गए ना ये वाले दो नहीं लिखने माइनस वन जीरो जीरो वन नहीं लिखना है बाकी वाले लिख लेने हैं जो सात बच गए तो ये थी बचे एक छोटी सी एक्सरसाइज टू पॉइंट वन कंप्लीट हो गई एकदम कंप्लीट हो गई अब आपका काम है दस के दस क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे फेयर करने ओके okay, डियर तो नेक्स्ट हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट इज रिलेशन फिर उस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू